नई सुबह के रहनुमाई प्रोजेक्ट में खुशामदीद। किचन गाइडेंस के साथ मैं हूं आयशा अहमद। वालदैन की रहनुमाई के लिए आज हम आप लोगों को बताएंगे कि चूल्हे को इस्तेमाल करने में क्या एहतियात करना है और छुरी के इस्तेमाल से खुद को कैसे महफूज रखा जाता है, इस पर हम वालदैन को आगाही देंगे। वालदैन से दरख्वास्त की जाती है कि जब चूल्हे का काम करवाएं तो बच्चों को स्कार्फ पहनाएं ताकि उनके बालों के साथ कोई ऐसा हादसा ना पेश आ जाए जैसे किचन में अक्सर औकात होता है। साथ ही साथ अगर आस्तीन लंबे हो तो इसको ऊपर करके रबर बैंड से सेट कर लीजिए। एप्रन वेयर करवाइए ताकि आपके कपड़े और कोई चीज चूल्हे के करीब ना जा सके। अगर दुपट्टा वेयर करते हैं तो दुपट्टे को हटा दें और उसकी जगह पर स्कार्फ पहनना मुनासिब रहेगा। वालदैन अपने बच्चों को जब चूल्हे की डायरेक्शन सिखाएं तो सबसे पहले नॉब को पकड़ के उसको हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर उसको ओपन करेंगे। इसमें से गैस की आवाज निकलने लगेगी। आपने इसमें लाइट रखना है और इस तरह से चूल्हा जला के पीछे हट जाना है। चूल्हे की वॉइस है, आपको पता चल गया ये जल रहा है। इसको स्लो करना और फिर इसको तेज करना, इसके बाद इसको बंद करना सिखाइए। कटिंग करते हुए पहले आपने प्याज को ग्रिप करना है बिल्कुल बैक साइड से, इसके बाद अपनी फिंगर एक आगे रखनी है। एहतियात करना है कि छुरी आपके हाथ पर ना लगे और आप आहिस्ता आहिस्ता से इसकी स्लाइसिंग करते जाएं और अपनी फिंगर को पीछे करते जाएं। इस तरह आपकी प्याज आराम से कटिंग भी होती जाएगी और आपके हाथ पर छुरी लगेगी भी। आप इस तरह से प्याज बहुत एहतियात से कटिंग कर सकते हैं और कोशिश कीजिएगा कि अपनी फिंगर हमेशा बचाएं और प्याज को कंप्लीट कटिंग करने के बाद आपने हमेशा छुरी साइड पर रख देनी है और फिर आप अपनी मतलूबा चीज़ प्लेट में निकाल दें। और इसके साथ इतना ही, अगली बार किसी नए ट्यूटोरियल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब के लिए अल्लाह हाफिज़।